हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। सो नाउ वी हैव टू नो द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस? देन वी हैव द डेफिनेशन। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज़ द मेजरमेंट ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज। यानी किसी भी कंडक्टर के इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का मीनिंग हुआ करता है कि हम उस कंडक्टर पर कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं, या वो कंडक्टर कितने चार्ज को होल्ड कर सकता है, उस पर कितना चार्ज स्टोर किया जा सकता है, वो उस कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को शो करता है। एज़ वी नो, हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं तो उसका क्या असर होता है कि उस कंडक्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होता है। जब हम किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक चार्ज देंगे तब उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो इन दिस वे वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर इज़ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इलेक्ट्रिक चार्ज। मीन्स इफ वी इंट्रोड्यूस मोर एंड मोर चार्ज, इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेज। जैसे ही हम किसी भी कंडक्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज इंट्रोड्यूस करते हैं, या हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज देना स्टार्ट करते हैं, तब उस कंडक्टर का वोल्टेज यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता है। सो वी कैन से दैट द वोल्टेज ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक चार्ज। दैट इज, इट मीन्स वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड क्यू इक्वल्स टू सी वी, वेयर सी इज द कॉन्स्टेंट, वेयर सी इज द कॉन्स्टेंट कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। देयरफॉर सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। तो यहाँ से हमें मिलता है कैपेसिटेंस, वेयर सी इज द कैपेसिटेंस। तो हम जानते हैं, हम जैसे जैसे किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो चार्ज देने से उस कंडक्टर का वोल्टेज बढ़ता है। मीन्स वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक चार्ज। इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया विच इज सी, वे कैन राइट क्यू इक्वल्स टू सी वी, वेयर दिस सी इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर विच इज गिवन बाई क्यू अपॉन वी। तो हेयर वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ सी, इफ वी इक्वल्स टू 1 वोल्ट then C equals to Q. Therefore, what does it means? It means the amount of charge required, the amount of charge required to increase the potential of a conductor by 1 volt equals to the capacitance of that conductor. यानी किसी भी conductor के potential को 1 volt potential बढ़ाने के लिए उसको जितना charge दिया जाता है वो उसके इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बराबर होता है। ठीक है, मैं इसके पीडीएफ नोट्स जब सेंड करूँगा उस वक्त मैं आप लोगों को इसकी क्या करेंगे, हम आप लोगों को इसके नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे पीडीएफ के साथ साथ। तो वी कैन राइट हेयर दैट द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड to increase the potential of conductor by 1 volt. तो किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल को 1 volt इंक्रीज करने के लिए उस पर दिया गया जो चार्ज है वो उसके इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बराबर हुआ करता है। तो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज दैट कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज बाय अ कंडक्टर। यानी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर की वो कैपेसिटी है जो उस कंडक्टर के जरिए चार्ज को होल्ड कर सकती है। वी कैन से दैट हाउ मच चार्ज कैन बी स्टोर्ड, हाउ मच चार्ज कैन बी स्टोर्ड ऑन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटेंस। किसी भी कंडक्टर पर मैं कितना चार्ज इकट्ठा कर सकता हूँ, या वो कंडक्टर कितने चार्ज को होल्ड करके रख सकता है विदाउट लीकेज, यानी चार्ज को एटमोसफेयर में लीक ना करे, तो उस प्रॉपर्टी, उस कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, उसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहा करते हैं। और ये जो फॉर्मुलेट किया जाता है इसको इस बेसिस पे किया जाता है कि जब हम कंडक्टर पर चार्ज बढ़ाएंगे, उसका चार्ज इंक्रीज़ करेंगे,
तो वो उसके पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा. इन द सेम सेंस इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज करेगा, एंड देर इज़ अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वोल्टेज. द इलेक्ट्रिक फील्ड उसका इंक्रीज करेगा तो वोल्टेज भी इंक्रीज करेगा. तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एज वी नो. देन इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट को इंट्रोड्यूस किया विच इज सी कॉल्ड कैपेसिटेंस. नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस? तो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज फैराड. द ऐसा यूनिट ऑफ सी इज फैराड विच इज नोट बाई एफ एंड इट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट फैराडे. माइकल फैराडे के नाम के ऑनर में इसके यूनिट को रखा गया है फैराड. सम अदर्स यूनिट आर अगर यहाँ माइक्रो फैराड विच इज इक्वल टू 10^-6 फैराड, नैनो फैराड 10^-9 फैराड एंड पीको फैराड 10^-12 फैराड. तो दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस डिनोटेड बाई एफ एंड सी इज अ स्केलर क्वांटिटी. क्या है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस? एक स्केलर क्वांटिटी है. यहाँ से हमने इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में सब कुछ जाना. नाउ वी आर मूविंग टू फाइंड द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर. यहाँ से हम एक स्फेरिकल कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को फाइंड करेंगे. तो कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस हमें फाइंड करनी है. वी हैव स्टडीड दैट द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर मींस द कैपेसिटी of storing the charge, यानी how much charge can be stored on a capacitor or a conductor is called its capacitance. So now we have to find the capacitance of a spherical conductor. Means here we have to find how much charge can be stored on a spherical conductor. Means यहाँ से हमें find करना है कि अगर हमें किसी भी spherical conductor पर अगर charge store करना है तो उस charge को store करने पर उसकी capacitance क्या होगी. यानी कि हमें यहाँ पर स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव करना है. सिंपल वे में वी कैन से सो वी कंसीडर अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस ए ओवर विच अ पॉजिटिव चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ये सब हमें कंसीडर करना पड़ेगा और इसको हम आप लोगों के लिए पीडीएफ में सेंड कर देंगे जो आप नोट कर लीजिएगा. यहाँ पर हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे सिर्फ. सो हेयर वी टेक क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ स्फेयर ऑफ रेडियस ए. ये स्फेयर कैसा है? सॉलिड स्फेयर कंडक्टर हम ले सकते हैं और हम जानते हैं किसी भी सॉलिड को जो हम चार्ज देते हैं वो चार्ज उसके सरफेस पर आ जाया करता है, रिसाइड कर जाया करता है, अंदर कोई चार्ज नहीं रहता है. तो फर्स्टली वी हैव टू नो द पोटेंशियल ऑफ दैट स्फेयर. आफ्टर दैट वी कैन फाइंड द कैपेसिटेंस. एज वी नो द फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी. तो फ्रॉम हेयर वी कंसिडर द क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली स्टोर्ड ओवर दैट स्फेयर. हमें चार्ज क्यू हमने लिया हुआ है, रेडियस ए हमें दी हुई है. तब हमें क्या फाइंड करना है? सबसे पहले इसका वोल्टेज फाइंड करना है. तो एज वी नो दैट पोटेंशियल on a sphere of radius r is given by v equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r. Here we have r equals to a, means यहाँ पर हमारे पास radius क्या है? a दे रखा है. So we have voltage 1 upon 4 pi epsilon naught q upon a. This is the potential on the sphere. Now let's see be the capacitance. So we have c equals to q upon v. After putting the value of v in this formula we can get the capacitance. So c equals to q upon v is 1 upon 4 pi epsilon naught q upon a.
ये नीचे वाली टर्म को रेसिप्रोकल करते हैं तो C इक्वल्स टू क्यू इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन क्यू एंड दिस कैंसिल क्यू. सो C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए. दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर एंड फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A. मीन्स जो कैपेसिटेंस हुआ करती है स्फेरिकल कंडक्टर की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करते हैं उसके रेडियस की. जितना बड़ा रेडियस होगा उसकी कैपेसिटेंस उतनी ही ज़्यादा होगी. सो फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड या विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर. इसको और ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और वो क्वेश्चन इस तरह से है. So we can take assuming Earth a spherical conductor of radius 6400 kilometer. Find its capacitance. तो यहाँ हमें अर्थ को हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर माना हुआ है जिसकी रेडियस यानी a हमें गिवन है 6400 किलोमीटर. तो सबसे पहले हम इसको ऐसा यूनिट करना है. किलोमीटर का ऐसा यूनिट होता है मीटर. सो इट कैन बी चेंज्ड इनटू मीटर बाय मल्टीप्लाइंग 1000 एंड इन स्टैंडर्ड फॉर्म इट कैन बी रिटन 6.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 meter. एंड द फार्मूला एज वी हैव डिराइव्ड अर्लियर C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए. वन थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड दैट वी हैव द वैल्यू ऑफ 1/4 πε0 इक्वल्स टू 9 × 10 रेज टू द पावर 9 एंड हेयर वी want only 4 pi epsilon naught. So after cross multiplying we get 1/9 × 10⁻⁹. So here we use the value of 4 pi epsilon naught 1/9 × 10⁻⁹ and radius is 6.4 × 10⁶. After solving it we get 10⁶ minus 9/9 and after dividing 0.71. So C becomes 0.71 × 10⁶ minus 9 minus 3 farad. So this is the capacitance of earth. अगर हम अर्थ को एक 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस है इसको अगर हमें कैपेसिटर मान लें तो हम इस पर किसकी कैपेसिटेंस क्या होगी. इसी कैपेसिटेंस C को से 0.71 × 10⁻³ farad के बराबर इसकी कैपेसिटेंस आ जाती है. तो ये स्फेरिकल कंडक्टर कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करते हैं हम इस एग्जांपल के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं जान सकते हैं. इसके आगे और एग्जांपल आप लोगों को दिए जाएंगे.